अभिवादन करते हुए, और देखिए सर सबका अभिवादन करते हुए, ये हमारे केलकर जी हैं जो कि स्टाफ जिमखाना के चेयरमैन हैं, वो काफ़ी अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं हम लोगों के साथ, और ये सब पूरा मैनेजमेंट प्लस आपका स्पोर्ट और फाइनलिस्ट, दोनों फाइनलिस्ट टीम, देखिए हमारे सीनू सर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अब फाइनल खेलेंगे, और देखिए ये देखिए हमारे शशांक भाई आज कैप्टन है, फाइनलिस्ट हैं आज आज के। वेलकम बैक टू माय मिस्टेक ब्लॉग चैनल में आप सभी दोस्तों का अभिनंदन है। फाइनलिस्ट मुझे लगता है शशांक भाई की टीम के हमारे साथ, वही सेम प्लान है उनके काउंटर पे, अपने दो काउंटर, ये कुछ कहिए सर, सेम प्लान उनके काउंटर पे अपने दो काउंटर, बिल्कुल। थैंक यू शशांक भाई, हमारी आपके साथ बहुत सारी बधाइयां हैं, ये आपकी टीम हमें जीते, चलिए अच्छा लगा देखने मिलेगा, ये बहुत ही अच्छा मैच, देखिए सारी टीमें फाइनलिस्ट हो चुकी हैं, और ये देखिए फाइनलिस्ट जो दोनों फाइनलिस्ट हैं वो लाइनअप हुई हैं, और ये हमारे फोटोग्राफी होती हुई, काफ़ी अच्छी गैदरिंग है यहाँ पर आज, देखिए टीम मेंबर सारे उतरते हुए, बहुत ही अच्छी टीम, बहुत ही अच्छा उमदा प्रदर्शन कल इन्होंने किया था, लेकिन आज देखते हैं बहुत ही सपोर्टर अच्छा। है मैडम के पास, ये टीम सपोर्टर है, ये देखिए टीम सपोर्टर है इस टीम के लिए, मैडम कुछ आप कहेंगी, ज्योति मैम आप कुछ कहिए, हम अपनी टीम के लिए बस बेस्ट विशेष बोलना चाहेंगे, और आज हम ही लोग जीत रहे हैं फाइनल, और बाकी दूसरी टीम को भी ऑल द बेस्ट, और ओवर अपर्णा अपनी टीम को बेस्ट, अपर्णा मैम भी कुछ बोलेंगे, अच्छा दोनों अपोनेंट टीम में है क्या, सेम टीम है, चलो बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग मैच हो, दैट्स व्हाट वी वांट, थैंक यू अपर्णा जी मैम, थैंक यू अपर्णा ज्योति, थैंक यू, और देखिए काफ़ी अच्छा मैच स्टार्ट होने वाला है, दोनों मैच स्टार्ट हो चुका होने वाला है, और दोनों वार्म अप करते हुए, और ये देखिए हमारे आलोक बैडमिंटन कोच, और ये वॉलीबॉल भी काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बॉल उनके हाथ में है, और ये बहुत ही अच्छी सर्व किया है ये, लेकिन सर्व इन्होंने पहली सर्व इन्होंने गलत कर दिया है, और विसिल का वेट नहीं हुआ था, आई थिंक ये ट्राई बॉल हो चुकी है जैसे, और ये विसिल बजी और सर्व हुआ, और ये शशांक ने डिफेंस किया, और ये मिडुल के पास बॉल, शशांक ने ड्रॉप कर दिया, बहुत ही अच्छा ड्रॉप शशांक का, और ये चालाकी से ड्रॉप किया था, बहुत ही अच्छा भाई मिडुल, मधु के हाथ में बॉल, और ये विसिल का इंतजार, विसिल का वेट, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सर्विस, और लगता है भीनी भीनी बारिश भी शुरू हो गई है, और आउट, और हमारी सब लोगों की सारे दर्शकों की यही दुआ है कि बारिश थोड़ी देर और रुकी रहे, कम से कम आधा एक घंटा, ताकि ये हमारा जो टूर्नामेंट है सफल हो जाए, हाँ मिडुल के पास बॉल, बहुत ही अच्छा डिफेंड किया राहुल जी ने, और ये मार दिया ड्रॉप, बहुत ही अच्छा नितिन ने उठाया, और शशांक ने ड्रॉप कर दिया, बहुत अच्छी सर्विस, और ये सौरभ ने उठाया, ये फॉल हो गया है, फिंगरिंग हो गई है, और ये सर मिला है मिडुल को, शशांक की टीम बहुत लीड कर चुकी है, 3-4 पॉइंट की लीड कर चुकी है, और ये अश्विन प्रोफेसर अश्विन ठाकुर आज ये कैप्टन के रोल पर यहाँ पर खेल रहे हैं, आज अश्विनी सर अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, आज गोविंद जी लगता है कुछ बीमार है इसलिए वो खेल नहीं रहे हैं, इसलिए गेम थोड़ा सा कमजोर हुई है उनकी टीम, अच्छा गोविंद जी नहीं खेल रहे हैं, गोविंद जी नहीं खेल रहे हैं आज, गोविंद जी की जगह अश्विनी प्रोफेसर अश्विनी ठाकुर आज टीम को लीड कर रहे हैं, वो कैप्टन हैं आज, और ये आलोक का सर्व हुआ, और बहुत अच्छी सर्विस, चालाकी से उन्होंने सर्विस कर, फिर से सर्विस आलोक के पास सर्विस, और सीनू भाई ने डिफेंड किया, और मिडुल के पास बॉल, और शशांक ने ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप बचा नहीं पाए, लेकिन बचा लिया है ड्रॉप, और ये सौरभ के पास, और बहुत अच्छा मारा, लेकिन आलोक ने उनको डिफेंड कर दिया, आलोक ने डिफेंड किया, बहुत अच्छा स्मैश था, लेकिन डिफेंड किया उसको मिडुल ने, बहुत, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लेयर के बीच में कुछ मिक्स अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो कि समझ नहीं पाए कि बॉल मेरी है या तेरी है, मेरी तेरी के चक्कर में एक पॉइंट दे बैठे, और ये बहुत ही अच्छा उठाया, लेकिन उन्होंने बाहर फेंक दी बॉल को, और मधु का 9-2 स्कोर हो चुका है,
बहुत अच्छा सर। और ये आलोक ने डिफेंड किया और मधु ने बहुत अच्छे से फेंका, प्रोफेसर अश्विन ठाकुर ने डिफेंड किया और आलोक जी ने ड्रॉप मारना चाहते थे लेकिन इन्हें बचा लिया है। और ये बहुत ही अच्छा स्मैश मारा है आलोक ने, जो कि मुझे लगता है ये बैडमिंटन से ज्यादा वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। बिल्कुल कोच वो बैडमिंटन खेल रहे हैं कि वॉलीबॉल बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। और ये शशांक ने बहुत अच्छा स्मैश मारा था और उसको कामयाब भी कर लिया। बॉल मधु ने फिर से सर्व किया और आलोक के पास डिफेंड के लिए पहुंची, सोमित ने बना कर लिया और ये बाहर मार दिया, बचा लिया। मधु के हाथ में फिर से बॉल, सर्व किया, बहुत अच्छी सर्विस, आलोक ने डिफेंड किया, आलोक जी ने मार दिया है भाई। बहुत अच्छा आलोक भाई, उम्दा प्रदर्शन कर रहे हो आप, उम्दा प्रदर्शन बनकर ही रहेंगे। और ये काफी ऊंचा उठाया, तीनों प्लेयर एक ही जगह पहुंच गए थे, सोबित ने उसको और ये अपने ही नेट में बॉल, नहीं नहीं नेट हो गए और ये नेट हो गई, लगता है सौरभ के हाथ से नेट टच हुआ है और पॉइंट मिला है अश्विनी ठाकुर जी की टीम को। शंकर लोहरा जी की टीम थर्ड प्लेस आई है और ये हमारे बैडमिंटन हमारे बैडमिंटन गुरु जिनको हम भीष्म पितामह कहते हैं, ये काफी अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं और हमको कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बस यही गुरु दक्षिणा में क्या चाहते हैं वो पता नहीं। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने महान प्लेयर हैं, मैं आपके साथ कुछ खेलना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूँगा इस बार सैटरडे को आपके साथ मैं जरूर खेलूंगा और आप आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। और चंद्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब का, और कृपया इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, धन्यवाद। मनीष जी हम आपको कुछ आज एक सरप्राइज देना चाहते हैं क्योंकि आज हम भी बैडमिंटन किट लेके आए हैं और रखी हुई वाइफ के पास, तो दीपक जी ने हमसे रिक्वेस्ट हमसे कहा था कि आज बैडमिंटन किट जरूर लाना है और हमारे साथ गेम खेला, तो हम आपके साथ आज गेम खेलेंगे आफ्टर द वॉलीबॉल टूर्नामेंट क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम में है तो थोड़ा इसको ऑर्गेनाइज कराना अच्छे से अच्छा है। और चंद्रा जी काफी अच्छा ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पूरे सारी कैंपस कम्युनिटी को इन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाया है और काफी फैमिली इनके ब्लॉग से खुश हैं तो सारे लगभग कैंपस कम्युनिटी ने इनका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है मोस्टली। बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है फाइनल का और ये मधु की बहुत अच्छी सर्विस और प्रोफेसर अश्विनी जी ने डिफेंड किया और ये शशांक ने उठाया के पास बॉल, अश्विनी जी के पास बॉल और ये सोमित ने बना के दिया है, आलोक ने उसको धकेल दिया है अपोनेंट की टीम में और ये शशांक ने ड्रॉप किया है लेकिन उसको उठा दिया है सोमित ने, फिर से वापस फेंका और सौरभ ने डिफेंड किया लेकिन उन्होंने शशांक ने ड्रॉप कर दिया है लेकिन विसिल बजी है, आई थिंक फॉल हुआ है, फील्डिंग अच्छा बना के दिया और ये आलोक ने बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा स्मैश मारा लेकिन उतना ही अच्छा डिफेंड किया था, लेकिन ये आलोक की इतना तेज स्मैश मारते हैं कि वो रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये सर्विस बहुत अच्छी सिंह भाई ने डिफेंड किया और शशांक ने बहुत अच्छा दो सब कही अपने जीत के लिए, आपके लिए जीत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लोगों ने कल की अपेक्षा आज बहुत अच्छा खेला, ये हमने भी देखा काफी अच्छा लगा, यहाँ पर खेलने पर बहुत मजा आया और हमारा देख रहे हैं कि इस समय जो है हमारा फना का मुकाबला चल रहा है जो कि काफी कांटेदार चल रहा है, आप इसको एंजॉय करिए, धन्यवाद। थैंक यू रमाकांत जी, थैंक यू और बेस्ट विशेस फॉर योर टीम एंड योर विनर, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं दोनों टीमें और ये आलोक की बहुत अच्छी सर्विस। और चलिए दर्शकों की देखिए, दर्शकों में काफ़ी उत्साह भर गया है, जैसे ये लग रहा है जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुका है, ये इतना गैदरिंग हो गई है और ये बहुत ही अच्छा स्मैश लेकिन अश्विनी जी ने उठा नहीं, सौरभ ने बहुत अच्छे से जवाब मारा था और आलोक ने मार दिया है लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पाए, बहुत अच्छा डिफेंड किया। बहुत देखो पब्लिक भी जो है, अरे वाह बहुत सुंदर स्मैश और ब्लॉक को टच करते हुए और ये आलोक जी का स्मैश और ब्लॉक नहीं हो पाया, बहुत दमदार स्ट्रोक था इनका, बहुत पूरी ताकत लगा के मारा, ब्लॉक को फाड़ दिया उन्होंने आलोक जी ने,
बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, बैडमिंटन के भी, वॉलीबॉल के भी, और ये बहुत अच्छी सर्विस भी है, और ये मधु लेके आए बहुत अच्छा, और ये अल्लाह, और बहुत अच्छी सर्विस, और वेल डन, वेल डन लग रहा है। बहुत जल्दी जो है मैच ख़त्म करने वाले हैं ये, बहुत जल्दी ख़त्म करो भाई, मृदुल भाई पानी आ रहा है। और ये सर्विस जान, और ये आउट, आउट आउट 23 है ये मृदुल जी के। हाँ लास्ट, हाँ एक और है, लग रहा है बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा फाइनल, और ये 24 होने वाले ही थे, और लग रहा हो जाएगा, और बहुत अच्छा, और ये आउट, और ये अरे आउट आउट थी राइट, सॉरी रेफरी ने उसको राइट दिया है, कुछ भी हो लेकिन मैच में बहुत आनंद आ रहा है, टेंशन फ्री प्लेयर खेल रहे हैं बहुत अच्छा, जितना अच्छा आनंद है उतना ही ब्रह्मदेव भी पता नहीं कहां से आ गए हैं, आने दो, हल्की हल्की ब्रह्मदेव नहीं इंद्रदेव, इंद्रदेव इंद्रदेव आ गए हैं, भगवान जो ब्रह्मदेव ने इंद्रदेव का आदेश दे दिया है कि जाओ फूलों की जगह थोड़ा थोड़ा पानी की वर्षा करो। हाँ हमारी उनसे गुजारिश है इंद्रदेव से, कृपया अभी बारिश का सपोर्ट ना करें, हाँ फूलों की वर्षा करें, और यहाँ इतना अच्छा मैच होता हुआ, डीडी साहब भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि अभी आप थोड़ा और खेल लीजिए, अभी हम दोबारा वापस आएंगे, ये गेम अप होने वाला है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग मैच और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, और शंकर जी का इसमें बड़ा योगदान, शंकर भैया हमेशा ही इसमें हमेशा योगदान करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। और सभी लोग, और चंदा जी का बहुत योगदान रहा इसमें, और ये आगे भी इनका योगदान जारी रहेगा, थोड़ी सी सर्विस गलत हो गई हो बड़ा ही अफसोस की बात है, कोई बात नहीं, उसी साइड पे फिर कंटिन्यू हुआ है क्या मैच, नहीं अभी अभी एक पॉइंट बनाना है इनको, अच्छा हो गया, और सही, और ये फर्स्ट सेट जीत चुके हैं, 3-5 फर्स्ट सेट जीत चुकी है, अब सेकंड पे खेलने जा रही है, अब बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ, अब इसके आगे आपके सामने मौजूद हैं यहाँ के सबसे अच्छे कमेंटेटर श्री चंदा जी, इन्हीं की वजह से ही ये चैनल बहुत ही आगे बढ़ता हुआ और अपने सक्सेस को छूता हुआ चंदा जी की वजह से, ये चंदा जी से बात करिए। थैंक यू विपिन जी, बहुत अच्छा बोले, थोड़ी थोड़ी कमेंट्री सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब सेकंड सेट होगा इस मैच का, और मधु की टीम जीती है, और अब दिखाते हैं सेकंड वाला मैच।